Hello. So last class we have completed our horizontal projectile. Today we are going to see about oblique projectile. Okay. Now oblique projectile क्या होता है? देखो horizontal projectile में हम लोगों ने projectile को ऐसे velocity दिया था, है कि नहीं? इस direction में. That means मैंने ऊपर से एक body को throw किया था, तो वो ऐसे आया था, तो मेरा velocity का direction इस तरफ था. अभी अगर मैं एक body को ऐसे throw करूँ, okay? If I throw a body in this way, ऐसे, तो मैं जो velocity है वो किस तरफ दे रहा हूँ? इस तरफ. है कि नहीं? That means अगर मैं बोलूँ ये vertical है और ये horizontal है, तो मेरा जो velocity दिया मैंने जो initially इसको project किया, ये क्या कर रहा है? एक angle बना रहा है with the horizontal. है कि नहीं? ये एक angle बना रहा है. तो इसी angular projection को हम लोग क्या बोलते हैं? Oblique projectile. अगर हम लोग projectile को ऐसे project करें कि वो एक angle बना रहा हो horizontal के साथ, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे ये एंगल दोनों के साथ ही बना रहा है, वर्टिकल के साथ भी बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ भी बना रहा है. हम लोग हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है उसको थीटा कंसीडर करेंगे. तो ऐसे टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल को जहां पे एंगल आ जाता है उसको हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं. ओके, या फिर प्रोजेक्टाइल हैविंग एन एंगल थीटा भी बोलते हैं. ओके, मतलब ऐसे थ्रो करना है. तो पहले तो हम लोग अपना डायग्राम देख लेते हैं. ये हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस, ये हो गया हम लोग का वाई एक्सिस. अभी जो प्रोजेक्टाइल है उसको मैंने ऐसे थ्रो किया, तो वो ऐसे ऊपर गया फिर ऐसे नीचे आ गया. ठीक है, तो मैंने जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दिया? इस डायरेक्शन में, ऐसे दिया ना, तो इस डायरेक्शन में हो गया मेरा इनिशियल वेलोसिटी. ये कितना एंगल बना रहा है? ये एंगल बना रहा है थीटा. अभी ये इनिशियल वेलोसिटी को अगर डिसॉल्व करोगे दो कंपोनेंट में, तो ये हम लोग को मालूम है थीटा के साथ जो कंपोनेंट आता है वो होता है यू कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा. तो हम लोग का जो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा. अभी एक चीज अच्छे से समझना. हाँ, हम लोगों ने पिछले वाले प्रोजेक्टाइल में देखा था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ग्रेविटी एक्ट नहीं करता, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है. है कि नहीं? वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज होता रहता है? वर्टिकल डायरेक्शन में. क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रहा होता है. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना है? यू कॉस थीटा. तो इस डायरेक्शन में हमेशा यू कॉस थीटा कांस्टेंट रहेगा. ये कांस्टेंट वेलोसिटी है. ठीक है, ये वाला जो वेलोसिटी है वो चेंज होता जाएगा. अभी देखो बॉडी यहां से जाके ये मैक्सिमम यहां तक पहुंचा, फिर बॉडी नीचे आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाई, एच मैक्स. इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाई. ओके, दैट मीन प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितना ऊपर गया. ये जो प्रोजेक्टाइल ये जो डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, पाथ फॉलो करता है, इसको तुम लोगों को मालूम है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैजेक्टरी. है कि नहीं? ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये तुम लोग को ऑलरेडी मालूम है. ये ग्राउंड का जहां से हम लोगों ने इसको प्रोजेक्ट किया और कहां पे जाके ये गिरा, कितना दूर गया, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं. ये भी तुम लोगों को मालूम है, दिस इज कॉल्ड रेंज. ठीक है, ये कितना देर हवा में रहा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट. अभी इसका अगर किसी भी पॉइंट में वेलोसिटी निकाल ले, तो पकड़ लो ये पोजीशन मैंने ले लिया, ये हो गया इसका कोई भी एक पोजीशन P. ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में कितना दूर है, पकड़ लो ये x दूर है, और ऊपर कितना है, ये y है. दैट मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, एक्स वाई. ठीक है, कोई भी पोजीशन पे इसका मुझको वेलोसिटी निकालना है, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे इसका पॉइंट कितना है, ये इस डायरेक्शन में एक्स दूर है, इस डायरेक्शन में वाई दूर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो होगा इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है कि नहीं? देखो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है ना, तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी लोगे तो ये इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे लोगे तो वेलोसिटी ऐसा है. तो सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी लोगे तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी का दो कॉम्पोनेंट आएगा, एक ये कॉम्पोनेंट वी एक्स
और एक ये कंपोनेंट वे वाई है कि नहीं। तो ये हो गया हम लोगों का प्रोजेक्टाइल का डायग्राम। चलो इसको बना लो, फिर हम लोग इसके अलग अलग एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज समझा देता हूं, यहां से जो प्रोजेक्टाइल है वो ऊपर गया, तो प्रोजेक्टाइल ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लेता है यहां से ओरिजिन से, फिर ऊपर से नीचे आने के लिए भी सेम टाइम लेता है, ठीक है। ये यहां से जो ये ऊपर गया इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लिया, और जो नीचे आया उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब नीचे आने के लिए कितना टाइम लिया। टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का टोटल प्रोजेक्टाइल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अभी इसको डायग्राम बनाओ, फिर इसका जो अलग अलग डेरिवेशन होता है वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलो फटाफट कर लो। अच्छा, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो हम लोगों ने थीटा लिया, तो यहाँ पे ये जो एंगल है इसको बीटा ले लो। यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको बीटा ले लो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ट्रैजेक्टरी, फटाफट निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ट्रैजेक्टरी, दैट मीन्स पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। सो लेट पी एक्स वाई बी द पोजिशन ऑफ प्रोजेक्टाइल at any instant of time t, ठीक है। तो at any instant of time हम लोगों ने एक रैंडम पोजिशन ले लिया प्रोजेक्टाइल का, ओके, दैट इज पी एक्स वाई। सो अभी ऑब्वियसली हम लोगों को मालूम है, हम लोग जब ट्रैजेक्टरी निकालते हैं हम लोग को दो डायरेक्शन में निकालना पड़ता है, हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल। सो हॉराइजेंटल डिस्टेंस, therefore हॉराइजेंटल डिस्टेंस, नाउ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो हॉराइजेंटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, हॉराइजेंटल स्पीड इनटू टाइम। सो हॉराइजेंटल डिस्टेंस, इस तरफ डिस्टेंस कितना था x, तो ये हो गया x। हॉराइजेंटल स्पीड, इस डायरेक्शन में स्पीड कितना है, u cos theta, तो ये आ गया u cos theta इनटू टाइम t। So, यहां से therefore t इक्वल टू मुझको कितना मिलेगा, x बाय u cos theta, x बाय u cos theta। तो ये मुझको मिल गया x डायरेक्शन का, और यहां से t का वैल्यू मैं ये रफ कर रहा हूं, हाँ, तो मैं ये याद रखूंगा मुझको t इक्वल टू कितना मिला, x बाय u cos theta। नाउ वर्टिकल डिस्टेंस, सो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, y। वर्टिकल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन यूज करेंगे विद रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी, है कि नहीं। सो मोशन अंडर ग्रेविटी का इक्वेशन यूज करेंगे, सो y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये जो u है ये है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन क्या है, u sin थीटा। इनिशियल फाइनल कुछ भी वेलोसिटी अलोंग एक्स यू cos theta कॉन्स्टेंट है, लेकिन वाई डायरेक्शन में तो क्या काम कर रहा है, ग्रेविटी। इनिशियली कितना है, यू sin theta, तो यहां पे यू की जगह क्या आ जाएगा, यू sin theta। टी का वैल्यू कितना मिला, एक्स बाई यू cos theta प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर cos स्क्वायर theta, है कि नहीं। तो यहां पे मेरा u u कैंसिल गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आएगा, x टेन थीटा आएगा। अभी यहां पे देखो, हाँ मैं सॉरी मैंने यहां पे एक चीज भूल गया, बॉडी किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ग्रेविटी किस तरफ होता है, नीचे की तरफ, तो ये जो g होगा ये माइनस होगा, तो यहां पे माइनस आएगा g, बॉडी ऊपर की तरफ कंसीडर किया ना हम लोगों ने जा रहा है, और g होता है नीचे की तरफ, तो यहां पे g का डायरेक्शन ऑपोजिट टू मोशन है, तो यहां पे माइनस आएगा, तो माइनस हम लोगों को कितना मिलेगा, g इंटू एक्स स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, g एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, y इक्वल टू
पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है. वेल व्हाट इज पी, वेल पी इक्वल टू टेन थीटा एंड व्हाट इज क्यू, क्यू इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड पी एंड क्यू आर कांस्टेंट. तो हम लोगों ने ये कांस्टेंट वैल्यू पकड़ लिया जिसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया बाय पी एंड क्यू. इसको मेंशन कर देना, व्हेन पी एंड क्यू आर कांस्टेंट पी इक्वल टू टेन थीटा, क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर छोड़ के बाकी ये टर्म. ओके, सो ये मिल गया हम लोगों को ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन. हाँ, एक चीज मैं बोल देता हूँ. हाँ, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, वहां पे मैंने लास्ट में ऐसे लिखा था ना वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. तो ये स्टेप लिखने से पहले हम लोगों ने जो कांस्टेंट टर्म था वो कांस्टेंट टर्म हटा के उसके जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा था. तो तुम लोग एक काम करना, वाई इक्वल टू पहले लिखना के एक्स स्क्वायर. वेयर व्हाट इज के, के हो गया वो कांस्टेंट, वो सब कांस्टेंट जो हम लोगों ने रिमूव किया था. यहां पे जैसे हम लोग ये कांस्टेंट हटा के क्यू लेके आए ना, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो कांस्टेंट हटा के वहां पे एक के लेके आना और यहां पे लिख देना के इक्वल टू वो सब वैल्यू एंड इज ए कांस्टेंट. उसके बाद ये लिखना देयरफॉर वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. और मैंने कमेंट सेक्शन में भी वहां पे मैंने एक गलती से यू स्क्वायर ऊपर की जगह या नीचे की जगह उल्टा फुल्टा हो गया, वो भी मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने करेक्शन पोस्ट कर दिया, उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है. या मैं पिछले वीडियो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में बोल रहा हूं. तो ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी. ओके, सो वी कैन से देयरफॉर द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, इज ए पैराबोला, इज ए पैराबोला. देयरफॉर द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला. तो ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी. ओके, नाउ एक चीज याद रखना, कभी अगर एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया या फिर अगर इसी में तुमको लास्ट में मेंशन करना हो कि ये जो ट्रैजेक्टरी है ये पैराबोला क्यों है, तो हॉरिजॉन्टल और इसमें दोनों में सेम रीजन है. देखो हम लोग को जो इक्वेशन मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है ना, वाई और एक्स स्क्वायर का रिलेशन. ओके, वाई और एक्स स्क्वायर का रिलेशन. तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर का जो ट्रैजेक्टरी का लास्ट में इक्वेशन मिला y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, उसमें भी और इसमें भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, y इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, हेंस द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी ए पैराबोला. दोनों में हॉरिजॉन्टल में भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो. ओके, याद रखना y इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, ठीक है. सो वी कैन से दैट द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला. ओके, तो ये हो गया हम लोग का पहला. अभी हम लोग दूसरा चीज निकालते हैं, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया. नाउ एक चीज मैं फिर से याद दिला देता हूं, याद रखना व्हेन एवर वी कैलकुलेट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल वी कंसीडर ओनली वर्टिकल मोशन. जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल का टाइम निकालते हैं हम लोग सिर्फ वर्टिकल मोशन कंसिडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं. ओके, सो फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन कैन आई राइट वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी, मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस a की जगह आ गया जी टी. अभी देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहां से यहां जाने में मैक्सिमम कितना टाइम लगा, मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगा. अभी हम लोगों ने जब ये पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी, हम लोग को मालूम है एक बॉडी जब भी नीचे से ऊपर जाता है मैक्सिमम हाइट पे जाके वो थोड़ा देर रुकता है फिर नीचे आता है, दैट मीन मैक्सिमम हाइट में जाके उसका वेलोसिटी जीरो फिर इंक्रीज होना शुरू होगा. तो सिमिलरली इसका भी यहां पर वेलोसिटी गया 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 मैक्सिमम हाइट पे जाके, जो वाई कॉम्पोनेंट वर्टिकल ना, सिर्फ वर्टिकल पकड़ रहे हम लोग, तो यहां पे ये मैक्सिमम हाइट में आके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो. कंफ्यूज लग रहा है, टाइम निकालने के लिए हम लोग वर्टिकल पकड़ते हैं. अगर एक बॉडी वर्टिकली नीचे से ऊपर जाएगा 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 मैक्सिमम हाइट पे जाके उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है.
तो प्रोजेक्टाइल का भी वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी, वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है u cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में जाके y जीरो हो जाएगा। उसके बाद फिर जब नीचे आएगा तब y फिर से वैल्यू चेंज होना शुरू होगा, ठीक है। तो यहां पे y क्या हो गया, जीरो। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u sin थीटा, नीचे से ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी नेगेटिव, ये क्या है टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, तो इसको हम लोगों ने लिखा tm। सो इसको इस तरफ ले आओ, gtm इक्वल टू u sin थीटा, देयरफॉर टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट कितना होगा, u sin थीटा बाय g। तो ये हो गया टाइम टेकन फॉर द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ओके हो गया। अभी हम लोग निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने अभी तुम लोगों को बोला था दैट अ प्रोजेक्टाइल नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लेगा, ऊपर से नीचे आने में सेम टाइम लेगा। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ओके टू गो अप फ्रॉम द इनिशियल टू रीच द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट। दैट मीन जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो यहां से यहां जाने के लिए जो टाइम लगा था वहां से यहां आने के लिए सेम टाइम लगेगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं टू इंटू टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। यहां पे यहां जाने के लिए जो टाइम लगा वो क्या था, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, वही टाइम तो लगा यहां से यहां आने में, है कि नहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू इसका टू टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टू यू साइन थीटा बाय जी, क्योंकि टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट था यू साइन थीटा बाय जी, अभी ये हो गया टू यू साइन थीटा बाय जी। ओके नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल। तो अभी देखो मैक्सिमम हाइट मतलब क्या है, ये वाला, दैट मीन्स अगेन वर्टिकल डायरेक्शन। सो फॉर मैक्सिमम हाइट वी हैव, कैन आई राइट वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस जी एच मैक्स। देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए, यहाँ पे a हो गया g, s, s मतलब हाइट जो कि हम लोग का मैक्सिमम हाइट है, और g जो है वो नेगेटिव होगा, यहाँ पे टू आएगा नेगेटिव होगा, नीचे से ऊपर मैक्सिमम हाइट ग्रेविटी नीचे की तरफ, ठीक है। तो वी वाई अभी तो हम लोग को मालूम है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जाके वी वाई क्या हो जाता है, जीरो, तो ये हो गया जीरो। यू वाई क्या था, यू स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो गया माइनस टू जी एच मैक्स, माइनस माइनस कैंसिल, तो एच मैक्स कितना मिलेगा, मैक्सिमम हाइट कितना मिला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, हो गया मैक्सिमम हाइट निकल गया। चलो अभी और एक चीज बाकी है निकालना, दैट इज रेंज। ओके सो नेक्स्ट लेट अस फाइंड आउट रेंज। नाउ रेंज हम लोग को मालूम है रेंज का फॉर्मूला, रेंज क्या होता है, डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या था, u cos थीटा, ये डायरेक्शन u cos थीटा ना, और टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग को क्या मिला था, 2u sin थीटा बाय g, यही मिला था। तो यहां से u कॉमन ले लो, तो r u कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आएगा 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। नाउ 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू होता है sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये हो गया रेंज का फॉर्मूला, u sin 2 थीटा बाय g, अरे सॉरी यहाँ पे u कॉमन नहीं ना, मल्टीप्लाई होगा, u स्क्वायर होगा, सॉरी u कॉमन नहीं आएगा ना, प्लस नहीं है ना, मल्टीप्लाई है, तो u इंटू u, u स्क्वायर आ गया, यहाँ पे बचा 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा हो गया sin 2 थीटा,
तो फॉर्मूला हो गया रिंग्स का आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। डन, खत्म। चलो फिर डेराइवेशन हो गया, नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन एंड आंसर देखते। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, यहां पे हम लोग को पूछा है कि मैक्सिमम रेंज होने के लिए क्या कंडीशन का जरूरत है। सो रेंज का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट, ठीक है हम लोग सब जानता है, वी नो दैट रेंज का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, है कि नहीं। सो हियर यू स्क्वायर बाय जी इज अ कॉन्स्टेंट, यू कॉन्स्टेंट था ना, याद है कि नहीं, इस डायरेक्शन में यू कॉन्स्टेंट था और ये जी, जी क्या है कॉन्स्टेंट, सो यू स्क्वायर बाय जी इज अ कॉन्स्टेंट। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। सो रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इक्वल टू मैक्सिमम। नाउ साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब साइन का वैल्यू वन होता है। यहां पे थीटा क्या है, टू थीटा, ये साइन थीटा है ना, तो यहां पे थीटा का वैल्यू क्या है, टू थीटा। सो रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इक्वल टू वन, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है वन, ठीक है। सो साइन टू थीटा इक्वल टू वन, नाउ साइन वन के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन नाइनटी, साइन नाइनटी का वैल्यू वन होता है, साइन साइन हटा दो तो टू थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, नाइनटी। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, 45 डिग्री। दैट मीन्स अगर 45 डिग्री एंगल पे एक बॉडी को थ्रो करोगे तो वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, ओके। चलो छाप लो, छाप लो फटाफट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट रेंज इज इक्वल फॉर टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब मैंने ये प्रोजेक्टाइल गया, ये हो गया एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, तो ये दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, देखो अभी ये तो मालूम है हम लोग को 90 डिग्री है, तो ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, है कि नहीं। शो दैट रेंज इज इक्वल फॉर टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब ये अगर थीटा है और ये 90 माइनस थीटा, तो दोनों एंगल के लिए रेंज का वैल्यू सेम होगा। तो हम लोग देख लेते हैं, लेट द टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। सो थीटा के लिए, फॉर थीटा, थीटा के लिए रेंज क्या होगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, इक्वेशन नंबर वन। फॉर 90 माइनस थीटा, इसके लिए रेंज क्या होगा, मैंने आर डैश ले लिया, यू स्क्वायर साइन टू, अभी थीटा की जगह क्या आ रहा है, थीटा हो गया, अभी क्या है 90 माइनस थीटा, तो यहां पे आ जाएगा 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू इंटू 90, 180 माइनस टू इंटू थीटा, थीटा बाय जी, ओके। सो अगर हम लोग इसको थीटा पकड़े, मतलब टू थीटा को थीटा पकड़े, सो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा, याद रखना, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सो आर डैश क्या मिलेगा, यू स्क्वायर साइन थीटा, थीटा कितना है, टू थीटा डिवाइडेड बाई जी, सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू आर डैश, आर इक्वल टू आर डैश। दैट मीन्स अगर दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लोगे तो रेंज सेम ही आएगा। इसका मतलब क्या है, देखो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 60, सो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए रेंज सेम आएगा। अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, 40, 50 प्लस 40 90 ना, तो 50 डिग्री और 40 डिग्री के लिए रेंज सेम आएगा। दैट मीन रेंज इज ऑलवेज सेम फॉर द पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दो एंगल है जिसका सम करने के बाद 90 डिग्री मिल रहा है, वो दोनों एंगल के लिए रेंज विल बी ऑलवेज इक्वल, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर व्हिच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन,
maximum height and horizontal range should be equal. And ये equal होने के लिए कितना angle चाहिए हम लोग को projectile को throw करना है वो निकालना है. तो maximum height का formula और range का formula पहला तो range का formula u square sine 2 theta by g और maximum height का formula क्या था 2u sine theta by g या फिर u sine theta by 2g. एक सेकंड नहीं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था सॉरी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g. तो अभी देखो यहां पे u स्क्वायर गया g गया g गया तो यहां पे क्या बचा sin स्क्वायर थीटा बाय 2. ये क्या है sin 2 थीटा. sin 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 sin थीटा cos थीटा. तो ये sin 1 एक sin गया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा दैट मींस 10 थीटा. सो देयरफॉर व्हाट शुड बी द एंगल थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 4. ओके अभी अगर तुमको 10 इनवर्स 4 का वैल्यू नहीं मालूम है तो बोर्ड एग्जाम में इसको ऐसे ही रख दो हो जाएगा. लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो तुमको 10 इनवर्स 4 का वैल्यू बताना पड़ेगा. तो इसलिए ठीक है ट्राई करना कि 10 इनवर्स 4 का वैल्यू क्या है ये फाइंड आउट करो और इसको यहां पे प्लॉट करो इसको यहां पे पुट करो. ओके चलो इसको कॉपी कर लो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ए प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ 50 मीटर एंड रीचेस अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर कैलकुलेट द एंगल एट व्हिच इट वाज फायर्ड. सो रेंज दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 50. मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है कितना 10. निकालना क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है कि नहीं. नाउ रेंज का फॉर्मूला क्या था u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g. हॉरिजॉन्टल रेंज सॉरी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g है कि नहीं. अभी दोनों को डिवाइड कर दो. सो देयरफॉर h बाय r h आ गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g और इसको डिवाइड करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा. तो रेंज के लिए आ गया g बाय u स्क्वायर sin 2 थीटा है कि नहीं. u स्क्वायर कैंसिल u स्क्वायर कैंसिल g कैंसिल g कैंसिल. नाउ sin थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं मैं यहीं पे लिख रहा हूं 2 sin थीटा cos थीटा. मैं लिख सकता हूं ना sin थीटा की जगह तो ये एक sin थीटा कैंसिल हो जाएगा. सो h by r मुझको क्या मिलेगा h by r मुझको मिलेगा यहां पे बचा sin थीटा cos थीटा. तो sin थीटा by cos थीटा 10 थीटा है कि नहीं. और यहां पे बच गया 2 into 2 4 तो 10 थीटा by 4 ये बचेगा. सो यहां से मुझको therefore 10 थीटा कितना मिलेगा 4h by r. सो 10 थीटा 4 into h h कितना था 10 मतलब ये हो गया 4 into 10 40 by 50 है कि नहीं. रेंज था 50 तो थीटा इक्वल टू मिल गया 10 इनवर्स 4 by 5. 10 इनवर्स 4 by 5 का वैल्यू होता है एप्रोक्सीमेटली 38.66 डिग्री 38.66 डिग्री. ये हो गया आंसर. ओके सो आई होप यहां तक क्लियर होगा. कुछ डाउट होगा तो एक बार पूछ लेना. ये कुछ बेसिक न्यूमेरिकल से इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना. इसके अलावा भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना. ओके थैंक यू.